खबर ग्वालियर से है, जहां पर फूलबाग से लेकर सेवानगर के रोड पर प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। हालांकि प्रशासन व नगर निगम ने लोगों को अपने भवनों को तोड़ने के लिए मोहलत दी थी, लेकिन मोहलत की अवधि खत्म हो गई। इसके बाद नगर निगम का अमला जेसीबी सहित अन्य मशीनें लेकर तोड़फोड़ करने पहुंच गए। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, तो फूलबाग से सेवानगर लोहा मंडी किला गेट होते हुए हजीरा चौराहे तक 11.78 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाने वाली सड़क के निर्माण में देरी के चलते पहले ही प्रशासन लोगों को मोहलत देने के मूड में नजर नहीं आ रहा था। यही कारण है कि सेवानगर से लेकर हजीरा चौराहे तक जो मकान अभी तक नहीं तोड़े गए थे, उन्हें निगम का अमला मंगलवार को तोड़ने पहुंचा। यहाँ 20 से 22 ऐसे मकान हैं जो लोगों ने खाली कर दिए हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अब लोगों को और मोहलत नहीं दी जाएगी और जो लोग अपने हाथों से मकान तोड़ रहे हैं उनकी मदद की जाएगी, बाकी अन्य मकानों को मशीनों की मदद से हटाया जाएगा, जिससे इस सड़क निर्माण का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो सके। कस्टमर से आइडिया से कुछ उस समय से सभी लोगों ने ये कहा नहीं कर दो, सभी लोग तोड़ भी रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टियाँ जीर्ण शीर्ण थी, मकान मालिकों ने खाली कर दी थी, वो चाह रहे थे कि हम लोग उसको हट पाते, तो आज हम लोग इसी उद्देश्य से आए थे और उनको हम हटा रहे हैं और बाकी लोग जो अपने स्वयं हटा रहे हैं उनको अपना जितना और टाइम दिया है कि हम उसमें हटा रहे हैं। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं।